तो फ्रेंड अगर आप अपने IDBI बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत आसान तरीके से अपने IDBI बैंक अकाउंट में आप मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हो। फ्रेंड ऑफलाइन तरीके में बताऊंगा क्योंकि ऑनलाइन तरीके में बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं या फिर उनको सही तरीका नहीं मालूम होता है जिसके कारण उनके साथ प्रॉब्लम होती रहती है। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल और सादा तरीका कि भाई आपको केवल और केवल आपकी बैंक ब्रांच जाना है, फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के बाद आपका मोबाइल नंबर 110% पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। तो कैसे करना है IDBI बैंक अकाउंट में आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट, बहुत सिंपल है, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। फ्रेंड वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरे आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी इशूज़ होते हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अगर आप अपने IDBI बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो या फिर अपडेट करना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कितने समय में आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। फ्रेंड वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड आपको ऊपर की ओर दिख रहा होगा क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अच्छे तरीके से फिल कर देनी है। मैं आपको बताऊँगा कैसे फिल करना है। सबसे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितनी भी समस्याएँ होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी इशूज़ होते हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर उनका सॉल्यूशन देता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम लोग अब अपने इस फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पर IDBI बैंक LTD मतलब है कि आपको यहाँ पे आपकी बैंक ब्रांच का नेम फिल करना है, ब्रांच कोड यहाँ पे आपको फिल करना है, ब्रांच सोल करके कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे ब्रांच कोड अगर आपको पता है तो फिल करिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। डेट ऑफ रिक्वेस्ट मतलब ये कि ये फॉर्म आप अपनी बैंक ब्रांच में कौन सी डेट में फिल करोगे उस दिन की डेट आपको प्रॉपर यहाँ पर फिल कर देनी है, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे नीचे की ओर आता है क्या, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम आपकी पासबुक में आपका नाम दिया गया होगा, आपको प्रॉपर उसको फिल कर देना है, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ देना है। नीचे आता है क्या, कस्टमर आईडी, अगर आपको पता है तो फिल करिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। आगे आता है कस्टमर अकाउंट नंबर, तो फ्रेंड अकाउंट नंबर आपकी पासबुक में दिया गया होगा, बैंक अकाउंट की पासबुक में अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर प्रॉपर फिल कर देना है, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ सकते हो। हाँ, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ इसको खाली नहीं छोड़ सकते हो किसी भी कंडीशंस में। अगर आपकी पासबुक में आपका अकाउंट नंबर दिया है, भाई दिया ही होगा, हर एक बैंक की पासबुक में अकाउंट नंबर दिया होता है, तो आपको प्रॉपर अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है और अकाउंट नंबर फिल करने के बाद उसको एक दो बार अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर दियो। यहाँ पे ये मैंडेटरी है फ्रेंड, कंपलसरी है, ये आपको फिल करना ही है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नीचे आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम पर, भाई अब प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, देखिए यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं पीछे की ओर, यहाँ पर आपको दिया गया है मोबाइल नंबर, यानी 8वें नंबर पर मोबाइल नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको आपके यहाँ पे लिख देना है, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख दोगे वही मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। प्रॉपर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। मोबाइल नंबर के अलावा अगर आप लैंडलाइन नंबर, मेल आईडी या फिर कुछ और भी लिंक कराना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप मोबाइल नंबर के अलावा कुछ और सर्विस एक्टिवेट नहीं करना चाहते हो, कोई और ऑप्शन आप नहीं सिलेक्ट करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको नीचे की ओर आ जाना है। फ्रेंड यहाँ पर दिया गया डेट, आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन ये फॉर्म आप अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करोगे, डेट आपको पर फिल कर देनी है। नीचे आता है प्लेस एड्रेस, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। बगल में आता है क्या, कस्टमर सिग्नेचर, भाई सिग्नेचर आपको फिल कर देने है, वही सिग्नेचर करने जो कि आपके बैंक ब्रांच के अकाउंट में लगे हुए हों, ऐसा ना हो कि आप कोई भी सिग्नेचर कर दो फिर बाद में कहो कि यार मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो भाई ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको वही सिग्नेचर करनी है जो कि आपके खाते में लगे हुए हैं, सेम टू सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देना है। चलिए अब ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप फिल कर चुके हो, प्रॉब्लम भी आप यहाँ पे मेंशन कर चुके हो, चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन भी आप हो कि अपनी पासबुक की फोटोकॉपी लगा सकते हो और यहाँ पे आपको अटैच करके अपने बैंक ब्रांच में अपने एम्प्लॉय को दे सकते हो और कहते हो सर मेरा मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए। फ्रेंड आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में अपडेट कर दिया जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।